बीजेपी के कोई नेगर यदि भाई नीचे कर बस कहीं भेंट होती है, लेकिन कोई नेता बीजेपी के नेता के संपर्क में इस ढंग से नहीं है। पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है, नेता नहीं, पार्टी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद से अब लगातार सत्ता पक्ष में जो कुछ लोग हैं उनकी बेचैनियां बढ़ गई। जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है। अब देखिए, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी यह सवाल पूछा गया, उन्होंने भी जवाब दिया, सीधा जवाब दिया कि उन्हीं से पूछिए और उन्हीं को छापिए। कहीं ना कहीं तलखियां जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बढ़ गई है। साथ ही साथ यह सवाल आज पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, और लंबे अरसे से पार्टी को चला भी रहे थे, अब देखिए उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का क्या मतलब है। वाकई में ही जो भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता हैं उनसे आप लोग संपर्क कर रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा इस बात को कह रहे हैं तो व्यक्तिगत संबंध भी लोगों के अपने होते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ जो ये बात लगातार कही जा रही है उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी में जिस तरीके से जो अलग अलग नेता हैं उनके अलग अलग सोच है, अलग अलग देखने का तरीका है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा था। और आज वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है। दरअसल वशिष्ठ नारायण सिंह आज पहुंचे थे एक कार्यक्रम में जहां पर सभी बिहार सरकार के कई जो मंत्री हैं वो यहां पर जेडीयू कोटे से थे, वे सभी लोग यहां पर मौजूद थे और वशिष्ठ नारायण सिंह भी यहां पर पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान दिया है, जरा सुनिए इस बयान। चाहे समाज का कोई वर्ग, चाहे वो किसी जात से ताल्लुकात रखता है, सबको समान देने की बात। मोबाइल में घुसा, समाज को आपस में विभाजित कर समाज का अच्छा स्वरूप कभी नहीं दिखाई पड़ सकता। इसलिए हम लोगों की मान्यता है समाज को जोड़ने का और सभी लोगों को एक साथ लेकर के समाज का और राज्य का विकास करें। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है कि जेडीयू पार्टी कमजोर हो रही है, बीजेपी के कोई नेगर यदि भाई नीचे कर बस कहीं भेंट होती है, लेकिन कोई नेता बीजेपी के नेता के संपर्क में इस ढंग से नहीं है। पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है, नेता नहीं, पार्टी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर। सर, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जो दिख रही है तो क्या आपको लगता है कि सही समय उनसे बातचीत हुई? कुशवाहा से भी मेरी बातचीत हुई और पार्टी के मजबूती के लिए वो सारा शक्ति